साथियों, हमारे गुरु जी अनिल जी के घर में जो है ये पहले तीन सांप जो है वो एक साथ निकले हुए थे और अब जो है अभी एक और निकल पड़ा था, वो ये चार सांप जो है वो इस बॉक्स में डाल दिए गए हैं। ये चारों ट्रिंकेट हैं और बिल्कुल नॉन पॉइजनस है। लेकिन बैठे बैठे अभी मैं और गुरु जी बात ही कर रहे थे कि एक और सांप जो है वो यहाँ निकल पड़ा है, तो देखते हैं उसको भी और उसको भी रेस्ट करके जो है बॉक्स में डालते हैं। सिद्धा चक्का बस ये बड़ा है। तो ये ट्रिंकेट्स नहीं कोई को ये बच्चे हैं दोस्तों, अभी कम से कम ये कोई दो महीने का या डेढ़ दो महीने का स्नेक है। होता तो ये पीला है लेकिन इसमें कोई जहर नहीं होता है। इसके जो दांत हैं वो बिल्कुल जैसे आरी होती है उसकी तरह होते हैं। उसको क्लोज करके दिखाएं, इसके स्पॉट जब भी इसको खतरा दिखाई देता है तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाता है और अपने शरीर से जो है एक बदबूदार स्मेल छोड़ता है। तो इसको भी हम रेस्क्यू करके जो है रेस्क्यू कर लिया, तो इसको डाल देते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, इसी वक्त कोई भी सांप होता है उसको जब यहाँ छोड़ा जाता है तो इसी वक्त बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो कभी भी मेरे को देखकर आप ऐसी कॉपी ना करें क्योंकि सांप सांप है, कभी इसमें कभी भी 1% भी चांस नहीं है। तो धन्यवाद साथियों, अब इसको रेस्क्यू करके अब हम जंगल में ले जाएंगे ताकि इनको रिलीज कर देंगे ताकि ये अपने वातावरण में रहें। आप सभी का धन्यवाद। साथियों, जो हमने अपने अनिल गुरुजी के घर में पांच स्नेक जो कि नॉन वेनमस हैं, इनको हम गलसाट भी बोलते हैं, धामण भी बोलते हैं, और इनको जो इनकी अंग्रेजी भाषा है उसमें इंडियन कॉमन ट्रिंकेट स्नेक बोला जाता है। तो ये बच्चे थे, इनको बेबी कॉमन ट्रिंकेट स्नेक हैं, इनको हम जंगल में ले आए हैं ताकि ये अपने इस खुले वातावरण में रहेंगे। यहाँ कोसों दूर जो है वो कोई आबादी नहीं है। तो मैं अब इनको रिलीज़ करूँगा आपके सामने, और मैं वीडियो कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इनको क्लोज करके दिखाएं सभी को। ये दोस्तों सभी बारी बारी से जाते हुए, एक ने जो है वो अपनी केंचली जो है वो उतार दी हुई है। ये केंचली ये अपना जाएंगे, एक अभी बॉक्स के अंदर है तो ये भी अपना पर्यावरण में जाता हुआ। तो ये दोस्तों ये पांच दोस्तों मेरे साथ जो वन्य जीवों के प्रति जो है वो बहुत ही प्यार करते हैं, समाजसेवी हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं अपने मनजीत पाल जी मेहरा। तो ये भी इन चीज़ों के प्रति जो है वो बहुत ही लगाव रखते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जब इनके गांव में भी कोई स्नेक निकलता है तो ये भी मुझे कॉल करके बुलाते हैं ताकि ये भी जीवों को ना मारने के लिए जो प्रेरित सभी को गाँववासियों को करते हैं। तो धन्यवाद साथियों, राम राम जी और जीने दो।